हेलो बच्चों, कैसे हैं? आज हम करेंगे मोलिकुलरिटी। कल हमने ऑर्डर किया था, रेट कांस्टेंट किया था, रेट कांस्टेंट की यूनिट कैसे निकालते हैं वो किया था हमने। तो उसके बाद हम करते हैं मोलिकुलरिटी क्या होती है। लेकिन मोलिकुलरिटी से पहले हम दिखाएंगे कि जिन रिएक्शंस का हम रेट दिखाते हैं, ऑर्डर दिखाते हैं, मोलिकुलरिटी दिखाते हैं, वो किस किस तरह की रिएक्शन होती है, किस तरह के रिएक्शन का हम ऑर्डर या फिर मोलिकुलरिटी निकालते हैं। तो जो रिएक्शन है वो हमारे पास टू टाइप्स की यहाँ पर, एक तो होती है एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है बेटा? जो सिंगल स्टेप में होती है, जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए, उनको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, उनको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। एंड कॉम्प्लेक्स दूसरी क्या होती है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जो एक स्टेप में ना होकर के ज्यादा स्टेप में होती है, मोर देन वन स्टेप, विच आर कंप्लीटेड इन मोर देन वन स्टेप और अ सिंगल स्टेप। एक स्टेप से ज्यादा स्टेप में होती है, दो स्टेप में भी हो सकती है, तीन में भी हो सकती है, जो भी है, उनको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं उनको, ठीक है। अब जो ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, जैसे हमारे पास कोई भी रिएक्शन मान के चलिए आप, हमारे पास रिएक्शन है एक, जब हम NH3 का डिकम्पोजिशन दिखाते हैं, NH3 का डिकम्पोजिशन दिखाते हैं, तो ये डिकम्पोज हो जाता है N2+H2 में, ठीक है, ऑन द प्लेटिनम सरफेस। बैलेंस कर देंगे इसको हम, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये एक हमारे पास रिएक्शन कैसी है? एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये सिंगल स्टेप में होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम दिखाते हैं पहले कि जो मोलिकुलरिटी है ना, वो होती क्या है। मोलिकुलरिटी क्या है? जितने भी नंबर ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल्स हैं, रिएक्टिंग स्पीसीज हैं, चाहे वो कोई एटम हो, चाहे वो कोई मॉलिक्यूल है, चाहे वो आयंस हैं, जो भी टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर, वो क्या होता है? उसकी मोलिकुलरिटी। मान लीजिए हमारे पास कोई भी रिएक्शन, उसमें दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं रिएक्शन में, तो उसकी मोलिकुलरिटी क्या हुई? 2। अगर तीन पार्टिकल इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उसकी मोलिकुलरिटी क्या हुई? 3। अगर सिर्फ एक ही पार्टिकल है, रिएक्टिंग पार्टिकल है रिएक्शन के अंदर, तो उसकी मोलिकुलरिटी क्या होती है? 1 हो जाती है, इस तरह से। तो मोलिकुलरिटी क्या है? टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इन्वॉल्व इन ए रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज कितनी है? अब वो रिएक्टिंग स्पीसीज हमारे पास कोई आयन, मॉलिक्यूल, एटम, जो भी है, वो तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। मोलिकुलरिटी है वो 4 से ज्यादा बहुत ही कम होती है, क्योंकि ज्यादा पार्टिकल्स का आपस में कोलाइड होना रेयर होता है, बहुत ही उनपे जो रेट है वो डिपेंड नहीं कर पाता है, इसलिए मोलिकुलरिटी जो है वो भी 4 से ज्यादा बहुत ही रेयर केस होते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये हमारे पास एक एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शंस के अंदर मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर इज इक्वल टू द मोलिकुलरिटी, ये सेम होते हैं, ठीक है। मोलिकुलरिटी जो है नेवर बी जीरो, फ्रैक्शनल एंड नेगेटिव। ऑर्डर जो है किसी भी रिएक्शन का, वो जीरो भी हो सकता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी हो सकती है, फ्रैक्शनल ऑर्डर भी हो सकता है, और नेगेटिव ऑर्डर भी हो सकता है।
लेकिन जो मोलिकुलरिटी है वो ना तो कभी जीरो होती है, ना ही फ्रैक्शन में होता है, ना ही नेगेटिव होता है। क्योंकि अगर मोलिकुलरिटी जीरो है, जीरो का मतलब अभी हमने क्या कहा कि मोलिकुलरिटी है क्या, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल्स। अब रिएक्टिंग पार्टिकल्स हमारे पास अगर है ही नहीं, मोलिकुलरिटी जीरो का मतलब क्या हुआ कि रिएक्टिंग पार्टिकल्स तो है ही नहीं हमारे पास, तो रिएक्शन कैसे होगी, कोई रिएक्शन है ही नहीं इसका मतलब, ठीक है। और फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर कोई भी रिएक्टिंग पार्टिकल्स अपने आप को कहीं पे इन्वॉल्व कर रहा है रिएक्शन में, तो कंप्लीटली करेगा ना अपने आप को, ये तो है नहीं कि उसने आधा अपने आप को रिएक्शन में डाल दिया, आधा वो बाहर रह जाएगा रिएक्शन से, तो कंप्लीटली रिएक्शन में यूज होगा वो, मतलब रिएक्शन का हिस्सा है वो। अब उस पर ये डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो एक अलग बात है, बट उसने अपने आप को इन्वॉल्व किया हुआ है उधर, ठीक है। तो वो क्या हो गया हमारे पास, ये कि फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकती है मोलिकुलरिटी, और नेगेटिव भी नहीं हो सकती है। नेगेटिव का मतलब कि कुछ भी है ही नहीं वहां, तो अगर रिएक्टिंग पार्टिकल्स नहीं होंगे तो रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी। तो मोलिकुलरिटी जीरो, फ्रैक्शनल या नेगेटिव नहीं होती है। ऑर्डर जो है वो जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, और नेगेटिव में भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, अब कैसे कहा हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ पर जो है रेट जो है वो कैटलिस्ट पे डिपेंड कर रहा है, ना कि रिएक्टिंग पार्टिकल्स पे। और जब रेट कैटलिस्ट पे डिपेंड कर रहा है, रिएक्टिंग पार्टिकल्स वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो इस रिएक्शन का जो रेट एक्सप्रेशन है, जो रेट का एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा कि रेट इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NH3। अब NH3 की पावर आप क्या दिखा देंगे, जीरो, क्योंकि इस पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कैटलिस्ट पे। तो मोस्टली जो रिएक्शंस हैं जो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती हैं, उनमें रेट रिएक्टिंग पार्टिकल्स की बजाय कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है, क्योंकि वही उसकी जो स्पीड है उसको वो कंट्रोल कर रहा है। कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं ना, इसे तो हम डालते हैं, तो ये रिएक्शन की स्पीड को मेंटेन कर रहा है, यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर जो है ऑर्डर क्या हो गया इधर, जीरो। लेकिन इस रिएक्शन की अगर हम मोलिकुलरिटी दिखाते हैं, अगर इसकी हम मोलिकुलरिटी दिखाते हैं, तो वो हमारे पास क्या होगी, टू होगी, क्योंकि यहाँ पर दो अमोनिया के मोलिक्यूल यहाँ पर यूज हुए हैं, तो मोलिकुलरिटी तो दो है। मतलब मोलिकुलरिटी तो क्या है कि सिंपली कितने पार्टिकल्स ने रिएक्शन में भाग लिया है, वो तो क्या है। अब जैसे देखो हम क्या बोलते हैं, कोई भी गेम है, उस गेम के अंदर मान लीजिए कि 10-12 बच्चे जो है वो अपने आप को पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, तो उस गेम के अंदर कोई कंपटीशन लगा लीजिए आप, कोई भी कंपटीशन है उसमें जैसे 50 बच्चे बैठे हैं कंपटीशन के अंदर, तो वो सभी क्या है, वो सभी मोलिकुलरिटी को शो करते हैं, लेकिन सबके सब अच्छे रैंक लेकर के क्वालिफाई हो जाएंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो उनमें से कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया है, वो क्या है उसका ऑर्डर है। रेट जो है वो किन पे डिपेंड करेगा, जो कितने क्वालिफाई हुए हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगा, वो टोटल कितने पार्टिसिपेट कर रहे थे वो क्या है उसकी मोलिकुलरिटी है वो, ठीक है। तो यहाँ पर मोलिकुलरिटी तो क्या है, टू है, लेकिन जो रेट है वो इन रिएक्टिंग पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर रेट क्या है और जो है वो के पे डिपेंड कर रहा है सिर्फ, तो ऑर्डर क्या यहाँ पर जीरो ऑर्डर है। जीरो ऑर्डर जो रिएक्शंस हैं उन्हीं में ही मोलिकुलरिटी जो है वो अलग आती है, अदरवाइज कोई भी अगर एलिमेंट्री रिएक्शन हो तो वहां पर ऑर्डर और मोलिकुलरिटी सेम हो जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तब तो सेम नहीं होगा वो भले ही एलिमेंट्री रिएक्शन है, लेकिन अगर वो कोई अदर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की है, जो भी है, और एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो वहां पर मोलिकुलरिटी और ऑर्डर क्या होते हैं, फिर सेम होते हैं, लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए सेम नहीं आएंगे, क्योंकि मोलिकुलरिटी जीरो हो ही नहीं सकती है, ठीक है। तो ये हम पॉइंट दिखाते हैं इसे ना मोलिकुलरिटी के ऊपर। तो मोलिकुलरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस समझ आया ना, ऑर्डर तो क्या है कि कितने रिएक्टिंग पार्टिकल्स पे टोटल में से कितने रिएक्टिंग पार्टिकल्स पे रेट डिपेंड किया है, तो वो तो क्या है, ऑर्डर है। और टोटल रिएक्टिंग पार्टिकल्स हैं कितने हमारे पास उस रिएक्शन मिक्सचर में, वो क्या होती है, मोलिकुलरिटी होती है, ठीक। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में तो हम जो भी कोएफिशिएंट है उसको देख करके बता देंगे कि ऑर्डर क्या है एंड मोलिकुलरिटी क्या आती है। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट्री रिएक्शन है,
और उस एलिमेंट रिएक्शन में कॉमन दिखा रही हूँ, जैसे हमारे पास है कि ए प्लस बी इट गिव्स द प्रोडक्ट, और ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, मीन्स ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप में होती है। तो यहाँ पर ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर क्या होगा यहाँ पर हमारे पास टू, क्योंकि दो रिएक्टिंग पार्टिकल दोनों पे डिपेंड करेगा, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा टू। एंड जो मोलिकुलरिटी है इस रिएक्शन की, मोलिकुलरिटी भी यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर भी टू होगी, ठीक है, फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर हम रिएक्शन को देख करके ऑर्डर नहीं बता सकते हैं और ना ही हम मोलिकुलरिटी दिखा सकते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम उसका मैकेनिज्म देखेंगे पहले, और मैकेनिज्म के बेस पे हम दिखाएंगे कि इसका ऑर्डर क्या आएगा। तो हम अभी कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लेते हैं और उनका मैकेनिज्म करते हैं उनका, और मैकेनिज्म के बेस पे हम दिखाएंगे कि मोलिकुलरिटी क्या आएगी एंड ऑर्डर जो है वो क्या आएगा, ठीक है। तो अभी हम करते हैं मैकेनिज्म कुछ रिएक्शंस का, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसका एग्जांपल देखिए आप। ये एक जैसे एग्जांपल हमने लिया है कि N2O5 इट गिव्स द NO2 प्लस O2, ये एक रिएक्शन है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, सिंगल स्टेप में नहीं होती है, ये दो स्टेप में होती है। मैकेनिज्म में से ना, अगर आपको कोई रिएक्शन दे दी और उसका ऑर्डर पूछते हैं या मोलिकुलरिटी पूछते हैं तो आपको मैकेनिज्म गिवन मिलेगा, ठीक है। तो मैकेनिज्म यहाँ पर जैसे दे दिया आपको कि ये मैकेनिज्म है, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, N2O5 का एक जो मोलिकुल है वो अपने आप को ब्रेक करता है NO2 प्लस NO3 में, और सेकेंड स्टेप के अंदर जो दूसरा मोलिकुल है N2O5 का वो NO3 के साथ कंबाइंड होकर के और ये NO2 प्लस O2 बनाता है। NO3 यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पर हमने ये इन्वॉल्व कर लिया, इट मीन्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास वही सेम आएगी, देखो दो मॉलिक्यूल हो गए N2O5 के, इट गिव्स द तीन ये और एक ये मॉलिक्यूल, ये चार मॉलिक्यूल हो गए NO2 के और प्लस O2, वही रिएक्शन आ गई हमारे पास ही, लेकिन ये ऐसे करके दो स्टेप में चलती है। तो यहाँ पर जो NO3 है वो क्या है, इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट जो फर्स्ट स्टेप में तो बनता है लेकिन सेकंड स्टेप में ये कंज्यूम हो जाता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप है ये होता है स्लोवेस्ट स्टेप, और जो सेकंड स्टेप है ये फास्ट स्टेप होता है। तो जो इंटरमीडिएट है ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव स्पीशीज होती है, तो ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बहुत ही फटाफट से रिएक्शन करता है, पहले इसको तोड़ना डिकम्पोज करना इतना ईजी नहीं होता है, तो ये धीरे धीरे चलता है, ये धीरे धीरे डिकम्पोज हुआ पहले। लेकिन जो NO3 है ये हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ये दूसरे N2O5 मॉलिक्यूल के साथ बहुत ही फास्ट रिएक्ट करता है और ये NO2 प्लस O2 बनाता है। तो सेकंड स्टेप होता है इसमें फास्ट और पहला जो स्टेप हो क्या है, स्लो स्टेप है। तो जो भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उनमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जो स्लो स्टेप है, स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसको हम बोलते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है ये, स्लोवेस्ट जो स्टेप है। और उसी स्टेप को देख करके आप मोलिकुलरिटी दिखा सकते हैं, उसी स्टेप को देख करके आप ऑर्डर दिखाएंगे, जो ऑर्डर है वो स्लोवेस्ट स्टेप पे डिपेंड, जो रेट है वो स्लोवेस्ट स्टेप के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी एक कोई कंपनी है, ठीक है, बाइक बनाने वाली एक कंपनी है कोई, तो ये तो है नहीं कि कोई भी कंपनी ऐसी हो जिसमें ऐसी मशीनें हो कि पूरी जो बाइक है वो एक साथ निकल के आ जाए, बन करके तैयार हो जाए कम्प्लीटली, वैसे तो कोई मशीन है नहीं। तो क्या होता है, सभी उसके जो पार्ट्स हैं बाइक के वो अलग अलग बनते हैं, उसका टायर बना दिया, उसके हैंडल वगैरह बना दिए, अलग अलग बॉडी पार्ट्स बनते हैं पहले, फिर उन बॉडी पार्ट्स को क्या करते हैं, कंबाइंड कर देते हैं। फिर वो तो मान लीजिए कि अलग अलग ग्रुप बना दे कि भाई चार पांच वर्कर ऐसे, भाई आपको ये टायर बनाना है, दूसरे वाले जो वर्कर है जो एक ग्रुप है उसको ये काम करना है, सभी को अलग अलग काम दे दिया है, ठीक है। तो एक दिन में कितनी बाइक तैयार होती है ये कौन से वाले ग्रुप के ऊपर, कौन से वाले वर्कर्स पे डिपेंड करेगा, जो धीरे काम करते हैं। अब मान लीजिए चार जो ग्रुप थे वो तो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, फटाफट से कर रहे हैं, लेकिन जो एक जो है जिसको हैंडल बनाने का काम दिया था
वो बहुत ही धीरे धीरे काम करता है। तो जब तक हैंडल तैयार नहीं हो जाते हैं तो क्या बाइक तैयार होगी? नहीं हो सकती ना। चाहे वो बाकी जो वर्कर है वो चाहे कितने फास्ट काम कर लें, लेकिन जब तक वो हैंडल तैयार नहीं होंगे तो हमारी बाइक तैयार नहीं हो सकती है। तो पर डे कितनी बाइक तैयार हो सकती है वो किस पे डिपेंड करेगा? स्लोवेस्ट स्टेप के ऊपर, जो स्लोवेस्ट जो धीरे काम कर रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगा। तो सेम बात यहाँ पर भी हमारे पास आती है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है? स्लोवेस्ट स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है। ये जितनी जल्दी हो जाएगा ना उतना ही रिएक्शन फटाफट से हो जाती है, तो ये इसी के ऊपर डिपेंड करता है। अब आप देखेंगे इस स्लोवेस्ट स्टेप में, इसके अंदर हमारे पास रिएक्टिंग पार्टिकल्स जो है वो कितने हैं हमारे पास? वन है ना। तो इसी के ऊपर जो है ऑर्डर रेट डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर जो रेट एक्सप्रेशन है, जो रेट ला है वो क्या बन जाएगा? वो आप स्लोवेस्ट स्टेप के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा कि रेट इज इक्वल टू द के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। अब स्लो स्टेप में N2O5 का एक ही मॉलिक्यूल है ना, तो इसी मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा। तो इसकी पावर क्या दिखा देंगे आप? वन, एक के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अब पावर क्या होती है? ऑर्डर। इट मींस इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है, ऑर्डर क्या हो गया? वन हो गया। ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर रिएक्शन को यहां से देखें तो हमें लगेगा कि भाई यहाँ पर तो रिएक्टिंग पार्टिकल्स तो दो हैं, तो इसकी पावर दो दिखा दें, लेकिन दो नहीं दिखा सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट होती है, मैकेनिज्म होते हैं कुछ रिएक्शंस के, तो उसके बेस पे हम दिखाते हैं स्लो स्टेप में कितने रिएक्टिंग पार्टिकल्स हैं, वही आप पावर के फॉर्म में दिखाएंगे और वही पावर क्या बनेगी? फिर ऑर्डर बनेगी। तो ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। मोलिकुलरिटी जो है वो भी हम स्लोवेस्ट स्टेप की दिखा सकते हैं, बाकी ओवरऑल जो रिएक्शन है इसकी कोई मोलिकुलरिटी नहीं होती है। मोलिकुलरिटी जो है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं दिखाती है। मोलिकुलरिटी जो है हम एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए दिखा सकते हैं, बाकी अगर हम स्टेप वाइज दिखाएं, मतलब स्लो स्टेप के कोड दिखाएं, तो हम मोलिकुलरिटी बता सकते हैं भी यहाँ पर एक है। लेकिन ओवरऑल रिएक्शन जो है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इनकी जो मोलिकुलरिटी है उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। मोलिकुलरिटी हैव द नो सिग्निफिकेंस फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, बट जो ऑर्डर है वो एलिमेंट्री के लिए भी निकाल सकते हैं और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी निकाल सकते हैं। ऑर्डर इज ए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड मोलिकुलरिटी इज ए थ्योरेटिकल वैल्यू, ठीक है। तो ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी में आप डिफरेंस दिखा सकते हो ना, ऑर्डर तो क्या है? पावर्स का सम। एंड मोलिकुलरिटी क्या होती है? मोलिकुलरिटी क्या है कि टोटल रिएक्टिंग पार्टिकल्स कितने हैं, वो मोलिकुलरिटी है। एक डिफाइन आप डिफरेंस तो ये बना देंगे। दूसरा डिफरेंस कि जो ऑर्डर है वो जीरो हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, ठीक है, एंड नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन जो मोलिकुलरिटी है इट नेवर बी जीरो, इट नेवर बी फ्रैक्शनल एंड नेगेटिव, ये नहीं हो सकती है, ठीक है। एंड ऑर्डर जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है। बट जो मोलिकुलरिटी है वो एक थ्योरेटिकल पॉइंट है, थ्योरेटिकली कितने इलेक्ट्रिक पार्टिकल्स दिए हुए हैं किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में, वो क्या होती है? मोलिकुलरिटी। ऑर्डर जो है वो हम एलिमेंट्री रिएक्शन का भी दिखा सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का भी दिखा सकते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्लोवेस्ट स्टेप है उसके अकॉर्डिंग हम ऑर्डर दिखा देंगे, बट जो मोलिकुलरिटी है वो हम एलिमेंट्री रिएक्शन के दिखा सकते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उनकी मोलिकुलरिटी हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो ये आप ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी में डिफरेंस भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इनका मैकेनिज्म स्लो स्टेप पर रेट दिखाना होता है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसका हम, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लीजिए आप। ये जैसे हमारे पास रिएक्शन ये NO2 प्लस CO, इट गिव्स अस CO2 प्लस NO, ये हमारे पास रिएक्शन है। इसका मैकेनिज्म क्या है? ये भी दो स्टेप में चलती है। पहले स्टेप में NO2 जो है का एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ कंबाइन होता है और फिर ये NO प्लस NO3 बनता है। फिर NO3 है ये CO के साथ कंबाइंड होता है और ये बनाता है NO2 प्लस CO2। ये इसमें ये होता है हमारे पास स्लो स्टेप और ये होता है फास्ट स्टेप। अगर ओवरऑल रिएक्शन दिखाएं तो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी? NO3 से NO3 निकल जाएगा, ठीक है। NO2 से ये एक NO2 निकल जाएगा, क्या बचा हमारे पास? ये NO2 प्लस CO, इट गिव्स NO प्लस CO2।
वही सेम रिएक्शन आ गई। तो ये कुछ इंटरमीडिएट्स होते हैं जो एक स्टेप में रिलीज होते हैं तो दूसरे वाले स्टेप में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो ये इंटरमीडिएट्स होते हैं। तो ये स्लो स्टेप के ऊपर रेट डिपेंड करेगा, हमें पता है ये चीज। तो जो रेट लो है इस रिएक्शन का, जो रेट लो एक्सप्रेशन है इस रिएक्शन का, वो क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू द के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब स्लो स्टेप में रिएक्टेंट क्या है मेरे पास, NO2, कितने NO2 है, दो NO2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसको हम ऐसे दिखा देंगे NO2 और इसकी पावर 2, दो मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या आ गया, फिर ये ऑर्डर क्या आ गया इसका 2। तो ये एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। और यहां से देखोगे तो यहां से भी आपको लगा कि सेकंड ऑर्डर, तो यहां से भी आ जाएगी भाई, एक ये पार्टिकल हो गया रिएक्टेंट पार्टिकल्स, एक ये वाला पार्टिकल हो गया है, लेकिन CO के ऊपर रेट डिपेंड नहीं कर रहा है। दोनों ही पार्टिकल्स किसके हैं, NO2 के हैं, दोनों NO2 मॉलिक्यूल्स पे ही रेट डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या है इसका, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को स्लो स्टेप के ऊपर आपको दिखाना होता है। ये मोलिकुलरिटी अगर स्टेप वाइज पूछे कि भी पहले स्टेप की मोलिकुलरिटी क्या है, दूसरे स्टेप की मोलिकुलरिटी क्या है, तो ऐसे आप दिखा सकते हैं। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मोलिकुलरिटी हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो इस स्टेप में मोलिकुलरिटी कितनी है, 2। इस वाले स्टेप में कितनी मोलिकुलरिटी, इसमें भी 2 है, ऐसे हम सिंपली दिखा सकते हैं। बाकी ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की जो मोलिकुलरिटी है वो हम फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कह इस तरह की हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आती है तो उसमें आपको मैकेनिज्म को देखते हुए, स्लो स्टेप को देखते हुए ऑर्डर बताना होता है। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक मोलिकुलरिटी, ठीक है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कल करते हैं। बाय, टेक केयर।